उसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। अब मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मतलब क्या है उसका, किसी भी दिन मेरे गोडाउन में मिनिमम स्टॉक कितना बचा होगा। एक बात बताओ, सेम सिचुएशन, मेरे को मिनिमम निकालना है, मैंने यहां पर रीऑर्डर लेवल में सेम डेटा, 200 किलो मैक्सिमम, 130 किलो एवरेज और 60 किलो मिनिमम, और वही लीड टाइम 3 से 5 दिन। मैंने यहां पे 1000 किलो का रीऑर्डर लेवल मेंटेन कर लिया, ठीक है जी। अब 1, 2, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, और मैं हर दिन 60 किलो भी कंज्यूम कर सकता हूं, 130 भी कर सकता हूं, 200 भी कर सकता हूं। मेरे को क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, मैं कहता हूं यहां पर एग्जाम्पल के लिए 5 दिन में माल आ जाएगा, ठीक। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हो गया, जैसे ही नया माल जिसका मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नया माल जिसका मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 10,000 किलो का, वो मेरे गेट पर खड़ा हुआ है लेकिन अभी स्टोर में नहीं गया है, उस टाइम पे मेरे स्टोर में कितना पड़ा हुआ है। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने नया माल का ऑर्डर प्लेस कर दिया, नया माल मेरी फैक्ट्री पहुंच गया, अभी वो नया माल मेरी फैक्ट्री पहुंचा हुआ है लेकिन उस टाइम पे मेरे स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, वो मेरा मिनिमम स्टॉक होगा। मैं सिंपल सी बात करता हूं, प्रैक्टिकली आपकी कॉस्टिंग की किताबें थी, आपने एडमिशंस लिए, नई किताबें ऑर्डर हुई, आपको किताबें बांटने से पहले, आपका नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरे पास यहां पे 20 किताबें पड़ी हुई थी, ठीक। मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया एग्जाम्पल के लिए 100 किताबों का, ठीक, 20 किताबें ऑलरेडी पड़ी हुई थी। जब मैंने नया नई किताबों का ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो 20 किताबें पड़ी हुई थी, जब मैंने अगला ऑर्डर प्लेस किया, रीऑर्डर लेवल था मेरा कितना, 20। अब नया ऑर्डर आया, कल आया नया ऑर्डर, आपको किताबें मिली, उससे पहले पहले मेरी एग्जाम्पल के लिए 8 किताबें पहले कहीं ना कहीं चली गई, तो जैसे ही गेट पर नई किताबें 100 लेके वो आया, उस टाइम पे मेरे गोडाउन में कितना पड़ा हुआ था, 12 किताबें, वो मेरा मिनिमम स्टॉक है, क्योंकि उसके बाद तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, 100 किताबें ऐड हो जाएंगी, वो फिर कम होने पे आएगा, वो फिर से यहां पे पहुंचेगा, फिर कुछ कंजम्पशन होगी, फिर वो मिनिमम उसी पे पहुंचेगा। मेरी बात समझ आ गई? तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है, नया ऑर्डर गेट पे खड़ा हुआ है उस टाइम पे गोडाउन में एग्जैक्टली कितना पड़ा हुआ है, दैट इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक। तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं, मेरे को पता है यहां पे डाउट आएगा, पक्का आएगा, मैं आंसर दूंगा उसका। मैं कहता हूं एक काम करते हैं, 1000 किलो है मेरे पास जब मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया, माइनस जितना टाइम इस ऑर्डर को आने में लगेगा उतने वक्त में मैंने और कितना कंज्यूम कर लिया वो माइनस कर लो। दोबारा रिपीट करता हूं, 1000 किलो मेरे पास पड़ा हुआ था जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, इसमें से माइनस कर दो जितना टाइम लगेगा नया ऑर्डर आने में, उतने टाइम में आप क्या कंज्यूम कर लोगे वो माइनस कर दो, जो बाकी बचा वो आपका मिनिमम स्टॉक है। ये बात सबको समझ आ गई? मैं कहता हूं ऑन एन एवरेज मेरा माल 4 दिन में आ जाएगा, मेरे को पता है यहां डाउट आएगा, सुनते जाना बस एक बारी, 4 दिन में मेरा माल आएगा ऑन एन एवरेज, और मैं ऑन एन एवरेज 130 किलो की कंजम्पशन कर लूंगा यहां पे। तो मैं कह रहा हूं लीड टाइम में मैं इतना कंज्यूम कर लूंगा, कितना बचेगा, एक सेकंड ना, 130 × 4 कितना आ रहा है, ये 520। तो लीड टाइम के दौरान मैं 520 यूनिट्स कंज्यूम कर लूंगा, 1000 मेरे पास था, जब मेरे गेट पे नया माल खड़ा होगा ना, मेरे पास गोडाउन में 480 बचा होगा, दिस इज माय मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक। लेकिन अब मन में आता है एक डाउट, डाउट ये आता है, सर जब मैक्सिमम करवा रहे थे तो मिनिमम माइनस करवाया था, अब मिनिमम करवा रहे हो तो मैक्सिमम माइनस करवाओ, बेटा फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आंसर इज ऑलवेज 0, क्योंकि अगर मैक्सिमम करते हो, व्हाट इज योर मैक्सिमम लीड टाइम, 5, एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम लीड टाइम, 200, 1000 माइनस 1000, फिर फॉर्मूला क्यों बना रहे हो, निकाल क्यों रहे हो, फिर तो 0 लिख दो ना। मेरी बात समझो ना, मिनिमम स्टॉक लेवल अगर निकालना है और 0 बनना है तो 0 से तो नीचे वैसे नहीं जा सकता हूं। प्रैक्टिकली अगर मैं सोच के चलूं उस हिसाब से फिर हमने एवरेज पे फॉर्मूला बनाया है। रीजन समझ में आ गया, मेरी मैक्सिमम क्यों नहीं लिख दिया मैंने यहां पे, सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे? तो बेटा जी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल, ये 3 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, क्लियर है सबको?